रियासत जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा विभाग की ओर से हर महीने की 27 तारीख को आयोजित होने वाले घराना श्रृंखला के तहत आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर ली है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं श्री के एल वर्मा यानी कृष्णलाल वर्मा। श्री के एल वर्मा प्रख्यात तबला वादक होने के साथ साथ मधुर वाणी के मालिक भी हैं तथा सुरों को अपने संगीत में ढालकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। नमस्कार, मैं कृष्णलाल वर्मा सभी आए हुए मेहमानों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रोग्राम को देखने आए। मेरा जन्म सन 8/6/1944 को सनूरा गांव जिला कठुआ में हुआ। मेरे पिता श्री मुंशी राम वर्मा और मेरी माँ श्री कुशल्या देवी के घर मैंने अपना जन्म लिया। बचपन ही से स्कूल शिक्षा में दूसरी तीसरी चौथी में उधर ही पढ़ता था मैं, तो मैं अपने पिताजी को गाते हुए देखता था और वो उस्ताद अमी चंद होते थे, पहले भी उस्ताद प्रेमी बड़े लोग होते थे तो उनसे सीखते थे, तो वो रामलीला में शरबन का रोल करते थे, तो बाजा देख के मेरे मन में भी आता था कि मैं भी गाऊँ। तो मैंने भी बचपन में कुछ उनके गाए हुए भजन जो हैं वो याद कर लिए, तो वो बड़े खुश होते थे। उसके पश्चात सन 1947 में हम जम्मू में आ गए, वहाँ पर हमारे पिताजी रहने लगे, तो वहाँ पर स्कूल शिक्षा में मैंने सनातन धर्म स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण की, तो वहाँ पर भी मैं जब गाता था तो मेरे टीचर बहुत खुश होते थे। कई बार मैंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा, पुराने प्रजा परिषद के लीडर थे वो, आजकल बीजेपी का नाम है, तो एक बार वो संत विनोबा बाबा आए थे यहाँ पर, तो उनके सामने भी मैंने भजन गाया था, भारत प्यारा देश हमारा तन मन इस पर बारेंगे। तो वहाँ पर लोगों ने जब सुना तो मेरे टीचरों की रुचि थी कि ये किसी से आप सीखो। मैं यहाँ पर वृंदावन के बाबा सीताराम जी थे, वो बड़ा अच्छा गाते थे और वो राग वगैरह और भजन वगैरह गाते थे, मैंने उनसे शिक्षा ली। उसके पश्चात उन्होंने मुझे हारमोनियम थोड़ा थोड़ा बजाना सिखाया। भजन जब गाने लगा तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, तो उन्होंने मेरे बड़े गुरुजी पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पिताजी श्री ओमादत्त शर्मा जी के पास मुझे छोड़ दिया। फिर मैंने वहाँ पर गायन की शिक्षा 5-6 वर्ष तक गायन की शिक्षा ली, सितार भी बजाता था मैं। फिर उसके पश्चात मुझे मेरे गुरुजी पंडित शिव कुमार शर्मा बम्बे में चले गए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये बच्चा कुछ कर सकता, उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास भेज दो। उसके पश्चात मेरे बड़े गुरुजी ने मुझे टिकट करवा दी, तो मैं बम्बे चला गया। तो उन्होंने, मैं गाना सीखने गया था, उन्होंने कहा कि गाना मत सीखो, आप तबला सीखो, और मैंने तबले की शिक्षा लेना शुरू कर दी। करते 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 8 साल जब बीत गए तो उन्होंने मुझे अपने साथ बजवाना शुरू कर दिया, कई हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उस्तादों के साथ और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में मैंने बजाया। फिर उसके बाद मेरे पिताजी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ा सा मुझे जम्मू बजाने आया तो कल्चरल एकेडमी के हमनवा और बड़े महान लोग थे जिन्होंने मेरा तबला सुन के मुझे नौकरी दे के यहीं अपॉइंट कर लिया। श्री के एल वर्मा ने जहाँ जहाँ भी अपनी कला की प्रस्तुतियाँ दी वहीं पर लोगों के प्रशंसा के पात्र बने रहे तथा अनगिनत सम्मानों से सम्मानित भी हुए। सबसे पहले मैंने
बॉम्बे में आज के कलाकार एक प्रोग्राम होता था, उसमें मैं, मुरली महाराज, जाकिर हुसैन, भुवनेश्वर मिश्रा, तो हमारा एक तालवाद कचहरी तबले के तीन चार लोग बैठते हैं, तालवाद कचहरी कहते हैं, तो सबसे पहले मैंने वहाँ बजाया। तो वहाँ पर चीफ गेस्ट जो थी वो बजंती माला थी। हमारा तबला सुनने के बाद उन्होंने हमें अवार्ड दिए और हमारी फ़ोटो वगैरह दी, पेपर में भी आया। उसके बाद फिर कई ऐसे प्रोग्राम जो होते गए, ग्वालियर तानसेन संगीत सम्मेलन, बड़ौदा महाराजा जो बड़ौदा के थे, उन्होंने कई प्रोग्राम किए, उन्होंने अवार्ड दिए। कुछ और जो अवार्ड थे मेरे एकेडमी के, कुछ मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के, कुछ और जो संस्थाएं थी, उन्होंने मुझे काफ़ी जगह नवाजा है। ऐसे ICCR बलवंत ठाकुर जी डायरेक्टर, उन्होंने दिया, एकेडमी ने कई अवार्ड दिए, पिया बाज प्याला एक पेरा था जो हम हैदराबाद और पूरे थ्रू आउट इंडिया लेके गए थे, उसमें बाहर के जो मिनिस्टर थे उनके अवार्ड वगैरह काफ़ी दिए हैं, और अभी भी जो हैं अवार्ड मिलते जा रहे हैं। अभी एकेडमी, कल्चरल एकेडमी ने 2-3 महीने पहले एक झरोखा प्रोग्राम करते हैं, उसमें मुझे सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र दिया, और कई लोग जो हैं वो प्रोग्राम करते हैं, मतलब काफ़ी सारे अवार्ड जो हैं वो मिले हैं। मगर अवार्ड से मैं कोई महत्व नहीं रखता हूँ, मेरा अवार्ड वही है जो लोग मेरे प्रेमी, मेरे जम्मू के निवासी, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और मोहब्बत दी और मेरा तबला को सराहा, मैं सबसे बड़ा अवार्ड जो है यही समझता हूँ। श्री कृष्ण वर्मा जी ने जो तबला बजाना शुरू किया 70s में, और वो जो है वो शुरुआत उन्होंने जो है वो एज इंस्ट्रक्टर तबला शुरू किया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है फाइन आर्ट्स का, और वहाँ से रिटायर हुए एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल बॉर्न आर्टिस्ट रहे हैं, हालांकि इनकी फैमिली में ऐसा कोई जो है वो आर्टिस्ट इस फील्ड से नहीं पहले कोई पैदा हुआ। ये जो है वो मैं समझता हूँ कि शिव कुमार शर्मा जी जो हैं पंडित जी, उनका भी आशीर्वाद इनको रहा। और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपने जो है वो बॉम्बे में जाके पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ जो है वो मिल के, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जो है वो प्रैक्टिस की, उनकी जो है वो आशीर्वाद इनको मिला, और बॉम्बे से आके इन्होंने जो है वो यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और जम्मू कश्मीर में जो है वो अपना रोल तबले में जो है वो अपना रोल प्ले किया। श्री KL वर्मा का पूरा परिवार संगीत साधक है। इनकी 4 पीढ़ियां संगीत साधना द्वारा अपनी विरासत को संभाले हुए हैं। इनके परिवार में इनके सुपुत्र तथा पोते भी कला जगत में अपना विशेष स्थान रखते हैं।
आज का जो हमारा मुख्य प्रोग्राम है वो इस तरह है कि एक पीढ़ी मेरी हो गई, एक मेरे पिताजी की, दूसरी नीरज की, तीसरी और चौथी पीढ़ी में मेरा पोता आज आपको तबला सुना रहा है। तो उसके बाद मेरा भाई भी संगीत में ही है, हमारी पूरी फैमिली संगीत से जुड़ी है। मेरा भाई एक डोगरी गीत सुनाएगा, मेरी छोटी सिस्टर आपको एक डोगरी गीत सुनाएंगी और कुछ दो बंदिशें या दो डोगरी या गज़ल को कैसे गाया जाता है थोड़ा सा उसका नमूना मैं आपको पेश करूंगा और उसके पश्चात नीरज वर्मा का तबला और एंड में हमारा तीनों का तबला एक साथ बजा के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग हमें प्यार से और मोहब्बत से प्रोग्राम को देखेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे।